अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन आज हम बात करेंगे जीवन गार्लिक की तो जीवन गार्लिक का जो हमारा ये एक्सपीरियंस है पिछली बार भी हमने लगाया था लेकिन बहुत थोड़ा था लेकिन इस बार हमें क्योंकि बहुत काफ़ी मक़दार में मिल गया यानी ये मेरे मेरे ख्याल में, में। कोई एक सौ बीस किलो तकरीबन हमने ये लगाया है तो ये अभी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है गंद निकल गया है ये आप देखें ये बहुत तो इसको साफ़ करना काफ़ी ये भी मुश्किल काम है और बारीकी वाला है क्योंकि जो बड़े पैमाने पे लोग लगाते हैं तो वो उनके पास मशीनरी होती है सारा कुछ होता है लेकिन हम इसी खुद ही कर रहे हैं तो ये बंदा हमारा देखें आप बैठा हुआ है बै, बैठ के वो इसकी सफाई कर रहा है और छोटी सी वो रंबी है उसके साथ कर रहा है ये और ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा इन साथ तो इसमें जो है ये आप देखें अब यहाँ से अब साफ़ हो गया है लेकिन बैड लक हमारी ये हुई कि इस दफ़ा बड़े पैमाने पे हमने लगाया लेकिन बारिशें नहीं हुई तो चूँकि हमारा ज़्यादा इनसार बारिशों पे है तो आप देखें ये इसके पत्ते जो है ना एक एक कोई शाख थोड़ी थोड़ी वो जल गई है लेकिन वो मैंने कहीं और भी देखा उनके पास तो पानी बहुत था लेकिन उनका भी वो जला हुआ था तो वो आ, मेरे ख़्याल में इसका कोई सिस्टम ऐसा है कि ये फूल इसमें ये नहीं होता ये एक आध कोई टेनी जो है ना इसकी वो जलती है लेकिन बाकी ठीक है अभी ये हम इसको इसमें लगा रहे बोर का पानी है हमारा जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया था ये हमने ऊपर टैंक बनाया हुआ है तो पहले तो टैंक में पानी चला जाता है तो पानी से भीग जाता है और खूब पानी यानी उसको मिल जाता है और प्रॉपर जिस तरह के बारिश होती है तो ये माशाल्लाह आप देखें कि इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है और पानी लगने से हालांकि सख्त गर्मी और ना होने की वजह से पानी ज़मीनें खुश हो गई हैं पानी पीने के लिए भी मैसर नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यह हमें ये बोर हमारा काम कर रहा है और इसकी वजह से होके तो ये बेहतर है तो अभी जब बारिशें शुरू होंगी तो ये आ, उसके साथ साथ इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा वक्ती हमारे लिए मुश्किल है प्रॉब्लम है ये काफ़ी बड़ा एरिया है आप देखें इसको बेड बना के बहुत बड़ी मेहनत से लगाया है और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये टोटली आर्गेनिक है कोई हमने खाद का किसी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं किया और किसी किस्म की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया हम चाहते हैं चाहते हैं कि इसको साफ़ रखें इसको बिल्कुल क्लीन करके तो गोडी वगैरह इसकी प्रॉपर टाइम पे हो और इसमें हमने वही अपना देसी जो हैल है वो डाला हुआ है तो ये वक्तन फ़क्तन इसका हम आपको मज़ीद दिखाते जाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट है कैसे बेहतर है तो आप भी हमसे जुड़े हैं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़